आज मैं फिर से आ गई हूँ अपने नए वीडियो के साथ। नया वीडियो है लेकिन टॉपिक वही ट्राइंगल्स का ही है, क्योंकि ट्राइंगल्स का टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो मेरा पहले चल रहा था उसी के कंटिन्यूएशन में आज का वीडियो है ये। हम लोग आज के इस टॉपिक में या आज के इस वीडियो में ट्राइंगल्स रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने छोटा सा एक वीडियो बनाया है आप लोग के लिए, जिससे कि जल्दी से आप लोग फ्रेशन अप हो जाए और इस वीडियो के जरिए आप लोग जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उनका अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहला थ्योरम है थ्योरम 6.6 एनसीईआरटी में, ये नंबर इस तरीके से है, आपको ये नंबर ध्यान नहीं रखना, खाली ध्यान रखना की एक थ्योरम है जो की एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब क्या कह रहे हैं कि दो ट्राइंगल्स हैं, इसको मैं अभी आप लोगों को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को हिंदी में एग्जाम ले रहा है वो परेशान ना हो। देखिए इसमें हम ये कह रहे हैं कि दो त्रिभुज हैं हमारे पास, ये दोनों त्रिभुज जो है ये सिमिलर है, इसको हम लोग समरूप त्रिभुज भी कह सकते हैं, ठीक है। समरूप त्रिभुज मतलब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है या समरूप त्रिभुज है तो उनके एरिया, उनका जो भी एरिया होगा इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया, अगर हम उसका रेशियो निकालें या उसका अनुपात निकालें तो वो रेशियो या वो अनुपात इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होंगी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब ये वाली साइड जो है ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग और ये साइड इस, जिस तरीके से फिगर रखी होती है या त्रिभुज रखा होता है उस तरीके से हम उसको कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं। तो ए बी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, ए सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी आर एंड बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू क्यू आर। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का अनुपात या रेशियो निकालें और वो रेशियो का स्क्वायर मतलब कि वर्ग अगर कर दें तो वो आपके एरिया के अनुपात या रेशियो के इक्वल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये है एक रेशियो, इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, ठीक है। इनमें से कोई भी एक आप एक बार में ले सकते हैं, कोई ये ले सकते हैं या इसको छोड़ के आप ए सी अपॉन पी आर भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, जिस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उस तरीके की और सिर्फ वही साइड को आप यूज कर सकते हैं, सारी एक साथ यूज करना कोई जरूरी नहीं है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ये वाली थ्योरम मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी, तो ठीक है जी, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ आ जाते हैं। थ्योरम 6.7, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, देखिए एक राइट ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है तो इसका वर्टेक्स हो गया बी। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रॉ कर दें अपोजिट साइड के लिए, ये है ना हाइपोटन्यूज, टू हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज पे हमने लंब बनाया, परपेंडिकुलर मतलब लंब, एक लंबी लाइन बना दी, तो ये दोनों एंगल जो बनेंगे ये भी परपेंडिकुलर के 90 डिग्री ही बनते हैं, तो ये भी 90 डिग्री बन जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर, एक ये हो गया और एक ये, दोनों ट्राइंगल दोनों तरफ के हैं वो सिमिलर होंगे या समरूप होंगे टू होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो इसके राइट एंगल वाले एंगल से या उस वर्टेक्स से अपोजिट साइड जो कि हाइपोटेन्यूज होती है उस पर अगर हम एक लंब डाल दें या एक परपेंडिकुलर डाल दें तो ये वाला ट्राइंगल और ये आपस में सिमिलर होंगे, और ये छोटा ट्राइंगल एक बड़े से ट्राइंगल के भी सिमिलर होगा, ये वाला इसके, ठीक है। ये थ्योरम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम बेसिकली ये पाइथागोरस थ्योरम नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम अभी आगे आएगी, उसको प्रूफ करने के लिए इस थ्योरम का बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, तो इसीलिए मैंने ये थ्योरम मेंशन करी है, ये भी लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इस थ्योरम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, थ्योरम 6.8। इसमें हमें कह रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमने एंगल बी पे राइट एंगल मार्क करा है, इसमें स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब ए सी जो सबसे लंबी साइड होती है आपकी राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, जो आपका राइट एंगल वाला त्रिभुज होता है उसकी जो लंबी साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो उसका स्क्वायर जो है वो बराबर होगा स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स,
तो ये सबसे लंबी साइड है, मतलब ये हाइपोटन्यूज है। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये तो थ्योरम है, इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक। पर आपके पेपर में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। प्रूफ भी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूफ करना भी आपको आना चाहिए, सिद्ध करने को भी पेपर में आ सकता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करें। प्रूफ करने के लिए हमें थ्योरम 6.7 का यूज करना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए इसमें आपकी ये जो आपकी परपेंडिकुलर है बीडी जो है वो परपेंडिकुलर किसके है, एसी के, है ना। तो इसीलिए देयरफॉर देखिए ट्रायंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी, थ्योरम 6.7 से हमने ये चीज ली थी, ठीक। ये हमें अभी बता रहा था, अगर ये सिमिलर है तो एबी अपॉन देखिए ये 90 डिग्री वाली साइड हो गई है ना, तो इसमें हम लेंगे ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। तो देखिए ये वाला जो छोटा वाला ट्रायंगल है, ये वाले को पूरे बड़े वाले से कह रहे हैं कि छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले से सिमिलर है, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू एबीसी। अगर ये थ्योरम 6.7 से प्रूव होता है तो इसका मतलब ए डी अपॉन ए बी, ए डी ये वाली साइड परपेंडिकुलर वाला एक साइड, ऐसी ये भी परपेंडिकुलर की एक साइड है। तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए सी सबसे लंबी साइड, ठीक है, और ये है ए बी, ये इस ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड हो गई, ठीक। तो हाइपोटन्यूज हाइपोटन्यूज और ये साइड लंबाई हाइट वाली साइड, अगर इस तरीके से हमने लिख लिया तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, ठीक। हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, सही है। अब हम दूसरे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, अब हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल डी बी सी, या इन मतलब ये ट्राइंगल डी बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, कैसे, थ्योरम 6.7, ठीक। अभी आपको बताया था थ्योरम 6.7 से छोटे वाला ट्राइंगल जो है वो बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो अगर एक सिमिलर होगा तो अब हम लोग फिर जैसे ये लिखा है वैसे हम इसमें भी लिख लेंगे। अभी हमने हाइट और हाइपोटन्यूज को रिलेट किया, अभी हम क्या कर देते हैं बेस और हाइपोटन्यूज को रिलेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो अब हमने दूसरे वाले ट्राइंगल की हाइट और हाइपोटन्यूज किया, यह है हाइट सी डी, ठीक। एक हाइट ये हो गई और इस पूरे 90 डिग्री वाले की हम ले ली बीसी, ये ले ली, ठीक। और फिर ली बीसी इसकी हाइपोटन्यूज, इस छोटे ट्राइंगल की हाइपोटन्यूज है बीसी और इस बड़े ट्राइंगल की हाइपोटन्यूज है एसी, ठीक है। इसको हमने फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारा हो गया सी डी डॉट ए सी इज इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई और ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगर हम इन दोनों को एड कर दें, ठीक है, इन दोनों को एड कर दें तो क्या बनेगा, हमने लिखा एडिंग वन एंड टू, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखिए ए डी डॉट ए सी प्लस ए सी डॉट सी डी, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन है, ए सी कॉमन है ना, तो ए सी को बाहर ले लिया, अंदर आ गया ए डी प्लस सी डी। और AD प्लस CD क्या है, ये देखिए AD और CD ये पूरा है AC, तो हम इसकी जगह AC लिख सकते हैं और ये हमारा हो गया AC डॉट AC, तो ये AC का स्क्वायर हो गया है ना। तो आपका थ्योरम जो है वो प्रूव हो गया, ये है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और ये क्या है, इसको हम फिर अच्छे से लिख देते हैं एक बार फाइनली, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, हैंस यू हैव प्रूव्ड द ऐसे भी लिखना है जब आपको कोई प्रूफ आए तो लास्ट में लिखना है प्रूफ, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसको प्रूफ करना बहुत इजी है और ये जरूर 4 या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा पेपर में, अगर प्रूफ करने को आया तो जरूर आपको 4 या 5 नंबर सॉलिड मिलेंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि पहले हम एक छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े वाले से रिलेट कर दे रहे हैं, उसके बाद उधर वाले ट्राइंगल को बड़े से रिलेट कर दे रहे हैं, दो इक्वेशन को एड कर दे रहे हैं और इसमें लिख दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक।
ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। ये इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जो पहले थ्योरम कर रहा है उसका कॉन्वर्स है, उसका उल्टा है। इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, इसमें ये लिखना रह गया ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज के एक साइड का स्क्वायर, एक साइड का वर्ग उसके बाकी दोनों साइड के स्क्वायर्स का सम हो, अगर ऐसा हो तब। तो पहले आप ये जो इन्होंने यहां तक लिखी है, यहां तक बोला है, हम इसको लिख लेते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि कोई भी एक साइड आप ले लीजिए, उसका स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर का सम हो। तो हम क्या करें, देखने में ये साइड बड़ी लग रही है तो हम इसी को ले लेते हैं। हम ये इसमें ये कह रहे हैं कि एसी स्क्वायर, किसी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी और बी सी, इन दोनों को स्क्वायर कर दें और ऐड कर दें। अगर ऐसा है तो एंगल अपोजिट फर्स्ट साइड, सबसे पहली साइड कौन सी, एसी, इसके अपोजिट जो है ये एंगल है, ठीक है, इसके अपोजिट एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी इज अ राइट एंगल, ठीक है, ये आपका एक 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो ये भी एक थ्योरम है, इससे बेस भी आपको क्वेश्चंस करने को मिलेंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपने नेक्स्ट वीडियो में इन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। तो चलते हैं, प्लीज चेक आउट माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।